अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेसिकली इट्स नॉट एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रादर वी शुड से ह्यूमन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सारी की सारी हम वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जिनके लिए एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। ट्रेनिंग क्या है, डिवेलपमेंट क्या है, ये एक एम्प्लॉय के लिए भी उतना ही ज़रूरी है और एक ह्यूमन बीइंग आपके लिए, आपके कोलीग्स के लिए, मेरे लिए और हमारे इर्द के जितने भी लोग हैं, किस तरह हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर है जिसमें हमने ट्रेनिंग के डिफरेंट आस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड को, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स को और उसके साथ एचआर के बाकी एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस किया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11th चैप्टर ऑफ आर रेफरेंस बुक विच इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि भाई सारा कुछ हो गया, ट्रेडिशनल हमने पढ़ लिए, रिवायती तौर पे कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, नए तरीकाकार हमने डिस्कस कर लिए, आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को चेंज करेगी और उस चेंज में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या पार्ट होगा। कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रही हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर कपल ऑफ लेक्चर्स ऑफ दिस वीक, हमारे आज के और इससे अगले लेक्चर में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सी चीज़ों को हम डिटेल से समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं और ये किस तरह इन्फ्लुएंस करेंगे ट्रेनिंग को। देन फ्यूचर ट्रेंड्स मे इम्पैक्ट ट्रेनिंग डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द स्ट्रेटजिक रोल ऑफ ट्रेनिंग, कि भाई मुस्तकबिल में आने वाली चीज़ें किस तरह ट्रेनिंग और डिवेलपमेंट की जो डिलीवरी है उसको चेंज करेंगे। हमने कहा कि या तो हम क्लासरूम में बिठा के ट्रेनिंग करा सकते हैं या हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो भाई फ्यूचर में कौन सी चीज़ें हैं जो नए मैकेनिज्म आ जाएंगे उनको जरा हम देखेंगे। फिर एक नई अहम चीज़, रैपिड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, RID, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, और वो भी रैपिड, फौरी तौर पर, बड़ी तेज़ी से। आज एक टेक्नोलॉजी आई है, फौरी तौर पर उसकी हम ट्रेनिंग्स करा दें, तो ये किस तरह बाकी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से डिफरेंट है। एम्बेडेड लर्निंग क्या है, हाउ ट्रेनिंग कैन कंट्रीब्यूट टू अ कंपनी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। सस्टेनेबिलिटी का बहुत आजकल शोर है हर साइड पे, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एवरीथिंग शुड बी सस्टेनेबल। और उसके साथ दूसरा एस्पेक्ट ग्रीन, तो इनको हम जरा डिस्कस करेंगे। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक टॉक ऑफ द टाउन है। सो व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेनिंग ट्रेंड्स, मुस्तकबिल में ट्रेनिंग के ट्रेंड्स क्या होंगे। ऑफकोर्स वी आर नॉट 100% श्योर, लेकिन वो चीजें जो नजर आ रही हैं आज मुस्तकबिल के बारे में वो क्या है। नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत अहम और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जरा हम अगली स्लाइड्स में डिटेल से बात करेंगे। दूसरा, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रेनिंग डिलीवरी एंड इंस्ट्रक्शन, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। कागज के आने से पहले भी एक उस्ताद अपने शागिर्द को काम सिखाता था, कागज और पेंसिल आ गई, उसने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, हमने ट्रेनिंग में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर। तो इस तरह वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज नई आती चले जाएंगी, हम लोगों को काम सिखाने के लिए उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। देन ब्रेकथ्रोज इन न्यूरोसाइंस फॉर लर्निंग, हमने लोगों को दिमाग को डिटेल से समझना शुरू कर दिया है साइकोलॉजी के जरिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिर न्यूरोसाइंसेज हैं, कि लोग काम करते हैं तो क्यों करते हैं, लोग एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, और अगर खरीदते नहीं हैं तो क्यों नहीं खरीदते। अब देखिए, आप अक्सर शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं, आप देखते हैं तो वहाँ पर धीमा और बड़ा अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, वो कैसे पता चला कि म्यूजिक जब चल रहा होगा तो लोगों का बाइंग बिहेवियर बेहतर हो जाएगा। तो ये सारे का सारा न्यूरोसाइंसेज ने हमें बताया, न्यूरोसाइंसेज में बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज हुए और उनकी मदद से हमें ओवरऑल बेहतर तौर पे कंज्यूमर्स को समझने का मौका मिला। ग्रेटर एम्फसिस ऑन स्पीड, किन शोबों में, स्पीड इन डिजाइन, सबसे पहले बहुत अच्छा डिजाइन और बड़ी तेजी से बेहतर डिजाइन, कॉन्टेंट जो आपका लेक्चर का या आपका ट्रेनिंग का कॉन्टेंट है वो बेहतर हो,
एंड फोकस, और एग्जैक्टली वो उसी टारगेट को फोकस कर रहा है। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम एजाइल का भी नाम देते हैं, एजाइल ट्रेनिंग, कि बिल्कुल वो टू द पॉइंट हो, फोकस्ड हो। इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड सोशल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमारा क्या है कि सदियों से हमारे पास जो एक ह्यूमन इंसानी शऊर आ रहा है उसमें हम बेहतरी करके जाएं। देन जस्ट इन टाइम, इसको जरा हम डिटेल से देखेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस को देखेंगे, एंड स्टेक होल्डर फोकस्ड लर्निंग पार्टनरशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद सस्टेनेबिलिटी। देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करें, सस्टेनेबिलिटी क्या है? इस कुराए अर्थ पे आज तक कितनी जेंडर्स या कितनी नस्लें जिंदा रह चुकी हैं, मे बी मिलियंस के हिसाब से। लाइक आप एक नस्ल से बिलोंग करते हैं, आपसे पहली नस्ल, उससे पहली नस्ल, तो कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, साफ पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, दरख्त अगर खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। हवा के अंदर अगर कार्बन एमिशन, कार्बन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पानी का साफ होना बहुत जरूरी है और बेहतर क्वांटिटी में। तो अगर हमारे से पहले गुजर चुकी नस्लों ने इन सारे रिसोर्सेज को खराब कर दिया होता जिस वक्त वो जिंदगी गुजार रहे थे इस कुरे अर्थ पे, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के पैटर्न्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर दी होती, पानी को आलूदा कर दिया होता, मिट्टी को जहर आलूद कर दिया होता, तो क्या होता? आज हमारे सामने इतना हेल्दी इन्वायरमेंट ना होता। अगर उन्होंने इसको खराब नहीं किया तो सस्टेनेबिलिटी हमें यह बताती है कि आप भी जब इस दुनिया में जिंदा रहें तो इसके जो जो अबदी किस्म के जो सरमाए हैं उनको खराब ना करके जाएं, ताकि आने वाली नस्लें भी इस पे सेहतमंद अंदाज में जिंदा रह सके। तो सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू अ कंपनीज एबिलिटी टू मेक अ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स आपने प्रॉफिट भी बनाना है, फैक्ट्री तो चलेगी, वो धुआं तो छोड़ेगी, हवा के अंदर धुआं जाएगा, उसने पानी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो डाइंग के अंदर बहुत ज्यादा पानी इनपुट लेते हैं, उसके अंदर केमिकल्स निकलते हैं और फिर वो पानी को वेस्ट करते हैं, पानी भी जाया होना है, हवा भी आलूदा होनी है। तो आप एबिलिटी के आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें विदाउट सेक्रीफाइसिंग द रिसोर्सिस, जो नेचुरल रिसोर्सिस हैं उनकी कुर्बानी ना दें। उसके अलावा एम्प्लाइज, कम्युनिटी और एनवायरमेंट, इन सब के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सिस हैं उनको आप वेस्ट होने से बचाएं, और ये सारा कुछ करते हुए आप प्रॉफिट जनरेट करें। इस कॉन्सेप्ट को हम सस्टेनेबिलिटी का नाम देते हैं। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव मेड सस्टेनेबिलिटी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजीज में सस्टेनेबिलिटी का बहुत अहम फैक्टर है। आप लोग कंपनीज की विजन स्टेटमेंट्स, मिशन स्टेटमेंट्स पढ़ें तो वो ज्यादा से ज्यादा आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरी अहम चीज, जो लेसर डेवलप्ड एरियाज हैं जहां पे अभी ज्यादा तरक्की नहीं हुई, उनके लोगों को भी हमने स्किल्स देनी है, उनको आगे लेके आना है ताकि दुनिया में एक बराबरी का कॉन्सेप्ट आए। प्रोवाइड डेवलपमेंट एक्सपीरियंसिस फॉर एम्प्लॉयज इन पुअर एंड एमर्जिंग कंट्रीज दैट बेनिफिट्स द लोकल कम्युनिटी। ओवरऑल जो पुअर और एमर्जिंग कम्युनिटीज हैं वहां के लोगों को हमने बेनिफिट्स देने हैं। टीच एम्प्लायर्स हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एम्प्लायर से मुराद ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लोगों को जॉब देनी है उनको भी हमने सिखाना है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप काम भी करें, प्रॉफिट भी जनरेट करें, लेकिन सोसाइटी को खराब ना करें, एनवायरमेंट को खराब ना करें। ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर ट्रेंड है ट्रेनिंग के अंदर। देन कम्स वेरेबल्स। वेरेबल्स क्या है? इंक्लूड स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्ट आईवेयर। अक्सर आप सुन रहे हैं कि लोगों के जिस्म के अंदर कोई चिप इम्प्लांट कर दी जाएगी, उनमें बहुत सारी रूमर्स हैं, उन पे यकीन नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हमारे पास कुछ वेरेबल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। स्मार्ट वॉच है, वो हमें बताती है आप कितने कदम आज पैदल चले हैं, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, क्या खाया तो कितनी कैलोरीज इनटेक हुई, तो वो हमें 360 डिग्री से मॉनिटर कर रही होती है। फिर स्मार्ट आईवेयर, स्मार्ट ग्लासेस हैं गूगल की, उसके जरिए बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें हम कर सकते हैं, तो इनकी भी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गई है ट्रेनिंग के अंदर। बिगनिंग टू बी यूज्ड इन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट। से आप एक पूरा पीपीटी प्लान दे दें जो स्मार्ट वॉच के अंदर चला जाए या स्मार्ट ग्लासेस से आप देख सकें, तो ये एक बड़ी इनोवेटिव ब्रेक थ्रू होगा। वेयरेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्मार्ट आईवेयर एंड कैमरा टेक्नोलॉजी दैट गिव एम्प्लॉयज हैंड्स फ्री एक्सेस टू ट्रेनिंग।
कि भाई आपके दोनों हाथ फ्री हैं, आपकी ग्लासेस के अंदर सारी ट्रेनिंग नजर आ रही है या आपकी घड़ी के अंदर वो सारे का सारा चीजें डाउनलोड करके दे दी गई हैं, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वेरिएबल्स के क्या बेनिफिट्स हैं? इजी एक्सेस टू लाइव एक्सपर्ट्स, रिसोर्सेज एंड रेफरेंस, ऑफ कोर्स हैंड फ्री एक्सेस। देन इट हेल्प मॉनिटर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ये भी देख सकता है ट्रेनर के कितनी लोगों ने ट्रेनिंग्स ली हैं, एक स्पेसिफिक यूजर ने कितनी वीडियोस देखी हैं, कितनी पे उसने प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, काम किया है। असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स इजीली, कि ट्रेनिंग की जरूरियात क्या है उनका बड़ी अच्छी आसानी से पता चल सकता है। ट्रैक कंप्लायंस विद ट्रेनिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी, रियलिटी हकीकत और ऑगमेंटेड रियलिटी जो एक्चुअल रियल तो नहीं है लेकिन हमें बिल्कुल रियलिटी फील हो रही होती है, ये क्या होती है? Refers to a live, direct or indirect view of a physical, real world environment. अब देखिए live है एक view real life environment का, आपकी आंखों पे एक glasses लगा दिए जाते हैं और फिर आपको feel कराया जाता है कि आप अफ्रीका के किसी सफारी पार्क में हैं, वहां पे जिराफे हैं, चीते हैं, हरन है, वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको बिल्कुल reality में ये feel हो रहा होता है कि yes I am there। आपको आवाजें सुनाई जाती हैं, आपके सामने बिल्कुल ऑगमेंटेड रियलिटी का फुल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है। हुज एलिमेंट्स आर सप्लीमेंटेड बाय कंप्यूटर जनरेटेड साउंड, वीडियो एंड ग्राफिक्स। उसके उर्द गिर्द जो साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स होती हैं वो कंप्यूटर एडिड होती हैं लेकिन वो बिल्कुल रियलिटी फील हो रही होती है। इट अलाउज लर्नर्स टू एंटर बुक्स, मैगजीन्स एंड ट्रेनिंग रूम्स टू एक्सपीरियंस देम इन 3D एज इन रियल लाइफ। तो ये ओवरऑल 3-dimensional, इवन अब 4 और 5-dimensional वीडियोस आ गई हैं, उनके जरिए लर्नर्स को बिल्कुल रियल लाइफ फील कराई जाती है। इंटेलिजेंस, जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई जहानत। अब जहानत तो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, हमने उस जहानत को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन की हैं, कुछ इन्वेंशंस की हैं। अब उनके अंदर हमने उनको इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो ओवरऑल वो खुद भी इंटेलिजेंट है। अब देखते हैं कि आपका सेलफोन जब लाइट होती है तो वो अपनी ऑटो ब्राइटनेस के जरिए उस लाइट को कम या ज्यादा कर लेता है। दैट मींस ही इज स्मार्ट इनफ, ही इज इंटेलिजेंस इनफ टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम इवन मोर ह्यूमन लाइक एंड एक्सेसिबल एट अ लोअर कॉस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे बहुत सारी जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। पिछले 20 सालों में हमने देखा कि टेलीफोन एक्सचेंज खत्म हो गई, ट्रेन की रिजर्वेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं, हर शख्स ऑनलाइन बुकिंग की तरफ चला गया है। डाक की तरसील का निजाम पहले कोरियर्स ने रिप्लेस किया, अब कोरियर्स को व्हाट्सएप पे आप स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, उसने रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत सारी जॉब्स खत्म होने जा रही हैं बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इंक्रीजिंगली प्रोवाइड परफॉर्मेंस सपोर्ट, या तो वो परफॉर्मेंस सपोर्ट देंगे या वो इंटायरली रिप्लेस एम्प्लॉयज इन रिपीटेटिव जॉब, जो रिपीटिंग जॉब है। एक मशीन है उसके ऊपर साबुन की टिक्कियां बन के आ रही हैं, आगे एक रोबोट खड़ा होगा, वो उनको उठाएगा, बड़े कार्टन के अंदर रखता जाएगा, उठाएगा कार्टन के अंदर। इंसान भी वही काम कर रहा था, रोबोट उससे बेहतर तौर पर वही एक रोबोट 24 घंटे काम करेगा, उसे वो थकेगा नहीं, उसके छुट्टियों का इशू नहीं होगा, उसका बाकी को मसले नहीं होंगे। तो ये रिपीटेटिव जॉब तो मुश्किल खत्म होने जा रही है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है वो जॉब शायद अभी कुछ अर्सा तक बाकी रहे। गेम, गेमिफिकेशन, गेम्स मेक ट्रेनिंग फन, मैक्सिमाइज लर्निंग एंड अपील टू मिलीनियल्स। मिलीनियल्स कौन है? जो 92 के बाद या समवेयर इन बिटवीन, जो 21वीं सदी के स्टार्ट के करीब पैदा हुए हैं, तो इनको गेम्स जो है ये बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, तो गेम्स के जरिए भी लर्निंग कराई जा सकती है। ऑफन इंक्लूड शॉर्ट इंटरेक्टिव लेसन्स अवेलेबल एट लर्नर्स फिंगर टिप्स एंड अलाउ लर्नर्स टू आस्क देयर पीयर्स क्वेश्चंस एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। तो ये ओवरऑल इंटरेक्टिव होता है, वो फौरी तौर पर इसको कर सकते हैं। इट मे इंक्लूड सिमुलेशन दैट लर्नर्स कैन एक्सप्लोर इन अ 3D एनवायरमेंट। इसमें सिमुलेशन होती हैं, सिमुलेशन क्या होती हैं? रियल लाइफ एक प्रॉब्लम की कॉपी तैयार की जाती है, तो उसमें आपको कहा जाता है कि यहां पे आप अपना रोल प्ले करके दिखाएं कि आप अगर इस प्रॉब्लम में रियलिटी में एग्जिस्ट करें तो कैसे आप बिहेव करेंगे। देन कम्स न्यूरोसाइंस एंड लर्निंग। एट
Advances in neurosciences are increasing the ability to study the brain and its function. इंसानी दिमाग है ना सारा कुछ करा रहा है. पढ़ने वाले क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले क्यों नहीं पढ़ते, वक्त पे आने वाले क्यों वक्त पे आते हैं. हमारी सारी की सारी डिसीजन मेकिंग तो दिमाग से हो रही है. तो अगर हम किसी ऐसे तरीके के जरिए इंसानी दिमाग को समझ लें कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो क्या होगा, हम सारा इस पजल को, जिग्सा पजल को हल कर लेंगे. हम उसके मुताबिक चीजों को ऑफर करेंगे और फौरी तौर पे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो न्यूरोसाइंसेस में जो बड़ी एडवांसमेंट हुई है उसने हमें इंसानी दिमाग को समझने में मदद दी है. दीज एडवांसेस आर लीडिंग टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी लर्न. ऑफकोर्स बाकी फील्ड में लोगों के बारे में बेहतर पता चला है, तो ट्रेनिंग डिवेलपमेंट में भी पता चला है कि लोग किस तरह बेहतर लर्न कर सकते हैं. रिसर्च ऑन द Hippocampus has identified conditions necessary for learning, which include attention, generation, emotions, and spacing. देखिए रिसर्च जो हमारे पास एडवांस हो रही है उसने हमें बताया है कि लोग किस तरह चीजों को लर्न करते हैं, किस तरह वो इंक्लूड होती हैं अटेंशन में, जनरेशन में, हमारे इमोशंस किस तरह. अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ और सोच है तो उस वक्त ऑफकोर्स हम लर्न नहीं कर रहे होंगे, तो किस तरह हम उसको लर्निंग की तरफ वापस ला सकते हैं. न्यूरोसाइंसेस का लर्निंग से क्या लिंक्स है. लर्नर्स हैव टू इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. सबसे अहम बात वो चीजें जो हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं उनका खात्मा बहुत जरूरी होता है लर्निंग के अंदर. अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं या आप यूट्यूब का लेक्चर सुन रहे हैं और उसके साथ आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं, व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आता है, वो अपनी तवज्जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले जाता है, तो उसे एक सेकंड में, पांच सेकंड में, दस सेकंड में आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ होता है. आप वो 10 सेकंड मिस कर जाते हैं लर्निंग के. ये चीज हमें न्यूरोसाइंसेस ने बताई. दे नीड टू मेक देयर ओन कनेक्शंस टू न्यू आइडियाज. इसके अलावा हमें जो न्यू आइडियाज हैं वो किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह उसके बारे में सोच सकते हैं. दे नीड सम बट नॉट ओवरवेलमिंग इमोशनल सिमुलेशन. हमें इमोशनली भी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, हमें इमोशनली भी लोगों को ट्रिगर करना होता है लर्निंग के लिए. लॉन्ग टर्म रिकॉल इज बेटर व्हेन वी लर्न इंफॉर्मेशन ओवर सेवरल different time periods as an all at once we knew. Of course we already know कि अगर आपको एक ही दिन बिठा के छह subjects A to Z पढ़ा दिए जाएं तो वो learning बेहतर नहीं होगी. हम उसके लिए sessions create करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में divide करते हैं, gradually हम पढ़ाते हैं. तो and so does for training and development. Rapid instructional design RID. What is RID? RID is a group of techniques that allows training to be built more quickly. अब देखें टेक्नोलॉजीज बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं, हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्विकली हम किस तरह इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं. ग्रुप ऑफ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम बड़ी तेजी से ट्रेनिंग, नई ट्रेनिंग्स डिजाइन कर सकते हैं. इसमें प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेंट एंड प्रोसेस कैन बी डिवेलप्ड इंडिपेंडेंटली. इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेंट जो कुछ हमने पढ़ाना है और प्रोसेस किस तरह पढ़ाना है वो अलग अलग बनाया जाएगा. एक शख्स एक काम शुरू कर देगा, दूसरा काम शुरू कर देगा. रिसोर्सिस डिवोटेड टू डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी री एलोकेटेड. जो रिसोर्सिस हमारे पास अवेलेबल हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए वो टाइम टू टाइम कम या ज्यादा हो सकते हैं. इसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? Developing a learning system instead of an instruction system. एक learning का environment दिया जाए. ये नहीं है कि जनाब मैं आया हूँ, मैंने पढ़ाया और मैं जा रहा हूँ, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपका issue है. नहीं, एक learning environment create किया जाए one to one, using shortcuts where appropriate. कुछ चीज़ें जो already आपको पता हैं उनके बारे में हम मजीद दान दया ना करें, हम उसको short कर दें. Combining और skipping different steps. हम कुछ steps को combine कर लें, कुछ को skip कर दें. That means कि हम according to the real life needs काम करें. Adapting existing material, जो existing material हमारे पास available है उसको adapt मतलब उसको accordingly हालातों वाकयात के मुताबिक उसको चेंज कर लेना. ये नहीं है कि हम exactly कहीं से copy करें और यहाँ पे paste करके पढ़ाना शुरू कर दें और उसके मुताबिक बेशक वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम उसको adapt करें local environment के साथ. Developing instruction around job ads एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट. ऑफकोर्स जॉब एड्स मतलब वो चीजें जो आपको जॉब के अंदर हेल्प कर सकती हैं, उनके इर्द गिर्द हम बात करें. सो दैट वॉज सम ऑफ द टेक्निक, सम ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स दैट आर गोइंग टू हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट.
आई होप यू हैव इंजॉयड आवर लेक्चर. वील कंक्लूड आवर टॉपिक इन आवर कमिंग लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.